ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसे विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 36 मिलियन लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल कब कैसे में। दोस्तों वीडियो में जानेंगे ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल ने कैसे अपने जीवन में आए आपदाओं को एक अवसर में बदल कर अपनी आवश्यकताओं को आविष्कार में बदल दिया। इसके साथ ही आपको बताएंगे इस लिपि का पूरा इतिहास, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। पर दोस्तों अब तक चैनल कब कैसे को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। क्या आपको पता है ब्रेल लिपि नेत्रहीनों को पढ़ने और लिख सकने की पद्धति का प्रथम प्रयास नहीं है। इससे पहले 17वीं शताब्दी में इटली के जेसुट फ्रांसिस्को लाना ने नेत्रहीनों के लिखने और पढ़ने को लेकर काफी कोशिशें की थी, पर बदलाव की कहानी इस तरह की है। आविष्कारक लुईस ब्रेल ने केवल 3 साल की उम्र में ही एक दुर्घटना के कारण अपने दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी। आंखें संक्रमित होने के कारण उनकी आंखों की दृष्टि पूरी तरह से चली गई थी। ब्रेल के नेत्रहीन होने पर उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रंस में भर्ती करवा दिया। उस स्कूल में वैलेंटाइन हाउ द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, पर यह लिपि आधी अधूरी थी। इस विद्यालय में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बार्बियन एक प्रशिक्षण के लिए आए और उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़े जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि के बारे में व्याख्यान दिया। ब्रेल को वहीं से नई लिपि बनाने का विचार आया और उन्होंने इसी पे आधारित किंतु 12 के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग करके 64 अक्षर और चिन्हों वाली नई ब्रेल लिपि बनाई। उसमें न केवल विराम चिन्ह बल्कि गणितीय चिन्ह और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। यही लिपि आज सर्वमान्य है, जिसकी खोज 1821 में हुई। ब्रेल लिपि कोई भाषा नहीं बल्कि एक तरह का कोड है। यह ऐसी लिपि है जिसे एक विशेष प्रकार के उभरे कागज पर लिखा जाता है और इसमें उभरे हुए बिंदुओं की श्रृंखलाओं पर उंगलियां रखकर या उन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि को टाइपराइटर जैसी दिखने वाली एक मशीन ब्रेल राइटर के जरिए लिखा जा सकता है या पेंसिल जैसी नुकीली चीज स्टाइलस या ब्रेसलेट पट का इस्तेमाल करके कागज पर बिंदु उकेर कर लिखा जा सकता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं को सेल के नाम से जाना जाता है। आविष्कारक लुईस ब्रेल ने 1824 में पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने कार्य को प्रस्तुत किया था, लेकिन ब्रेल लिपि प्रणाली को 1829 में पहली बार प्रकाशित कराया। उन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी और अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय ब्रेल लिपि प्रणाली का विस्तार करने में बिताया। हालांकि जीते जी उनके काम को उचित सम्मान नहीं मिला और उनके निधन के 16 वर्ष बाद 1868 में ब्रेल लिपि को प्रामाणिक रूप से मान्यता मिली, जो आज दुनिया भर में मान्य है। और समय के साथ तकनीकी युग में ब्रेल लिपि में कुछ बदलाव हुए हैं और अब तो ब्रेल लिपि कंप्यूटर तक पहुंच गई है। कंप्यूटरों में यह तकनीक उपलब्ध होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब दृष्टिहीन व्यक्ति भी तकनीकी रूप से मौजूद हो रहा है। ब्रेल लिपि में अब बहुत सारी पुस्तकें निकलती है, यहाँ तक कि स्कूली बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों के अलावा रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ भी छपते हैं। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल के जन्मदिन के सम्मान में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 4 जनवरी 2009 को भारत सरकार ने आविष्कारक लुईस ब्रेल के जन्म को 200 वर्ष पूरे होने के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। 43 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1852 को लुईस ब्रेल का निधन हो गया, लेकिन उनकी खोजी ब्रेल लिपि ने आज विश्व भर में दृष्टिहीनों तथा आंशिक रूप से नेत्रहीनों के जीवन को बहुत आसान कर दिया है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल कब कैसे को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।